गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम काम करेंगे वो है हमारे मैथ्स का चैप्टर 6, बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। तो उसके हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला MCQ जो दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मल्टीपल ऑफ 8। इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 4, 12, 16 एंड 20। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो मल्टीपल क्या होते हैं, जो हम पहाड़ा याद करते हैं टेबल, उसमें जो नंबर्स आते हैं, जैसे जब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 आया, जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, देन आगे 24, 32, तो ये सारे क्या होंगे, ये 8 के मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, एक जो ज़रूरी है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो जैसे यहाँ पे 8 है, जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें जब कोई नंबर शेष ना बचे, इट मीन्स वो पूरा पूरा उस नंबर से भाग हो, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। यानी कि जो 8 है उसका फैक्टर क्या हुआ, 4। तो इस तरीके से जो 8 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। तो हमें पता है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 के पहाड़े पे जो जो नंबर आएंगे वो सारे 8 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे 8 के पहाड़े में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जैसे जो 4 है वो 8 का फैक्टर है, 12 है वो 8 का ना तो फैक्टर है ना उसका मल्टीपल है। यहाँ जो 16 है वो 8 के पहाड़े पे आता है, 8 के पहाड़ी में आता है ना, 8 × 16, तो ये क्या हो गया इसका मल्टीपल। अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ये क्या है, 20, ना तो ये इसका फैक्टर है ना ही इसका मल्टीपल है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, इट मींस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 8। अब हमें फैक्टर पता था कि जब हम 8 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो पूरा पूरा कटना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो जब हम आंसर देखेंगे तो उसमें क्या है, अगर ऑप्शन ए लेते हैं, अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, इट मीन्स 0। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है यानी कि 4, वो हमारा आंसर होगा, फैक्टर ऑफ 8 क्या होगा, 4। बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि जो 12 है ना तो वो इसका हमें पता है इसका ना तो मल्टीपल है ना 8, अगर हम इसको 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। सेम इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/2, सेम 8 से। तो हमारा जो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 इज। अब फैक्टर क्या था, जब हम इनको 2 या 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इट मीन्स रिमाइंडर क्या हो, 0। तो जो अगर हम देखें कि जो 2 है जब हम उसको 16 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स 16 जब 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आता था, 8। इट मीन्स यहाँ कोई 0 नहीं बची। ठीक, सेम यहीं पे अगर हम 4 को 16 से करें, 16 इज डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास आंसर क्या आता था, 4, क्योंकि 4 × 16। ठीक है, तो 16 है वो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम 20 का चेक कर लेते हैं, तो 20 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। और जब हम 20 को 4 से करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। इट मीन्स 2 और 4 दोनों ही 16 और जो 20 है उसके मल्टीपल हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज। अब हमें मल्टीपल पता है, जो 6 के पहाड़ी में जितने नंबर्स आएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे और जो 8 के पहाड़ी में मल्टीपल्स आएंगे वो 8 के मल्टीपल्स होंगे। और हमें क्या पता है ना, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में सेम हो। तो हमें पता है 8 का पहाड़ा क्या होता है, उसमें क्या क्या नंबर आएंगे, यहाँ पे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72, लास्ट का होता है 80। सेम 6 का पहाड़ा हमें पता है 6, 12, 18, 24, 30। तो हमने इनमें देखने कि इन दोनों में कॉमन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम अगर मैच करें तो इस 8 के पहाड़े में भी 24 है
और यहाँ 6 के पहाड़े में भी 24 है। नेक्स्ट नंबर अगर हम मैच करें तो 8 के पहाड़े में भी 48 है और यहाँ 6 के पहाड़े में भी 48 है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर इज 24 जो इस ऑप्शन में है, जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए 24 इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 इज। कॉमन फैक्टर वही सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर बताना है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, 16 है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। जब हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास क्या आता है, 16। सेम जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 20। इट मीन जो 2 है वो इन दोनों का फैक्टर है, ये 16 और 22 से पूरे पूरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम अब हम 4 से चेक करें, तो जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता था, 16 आता था। ये इसको आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, 16 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 4। और 4 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता था, 5। इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। तो बोथ आर कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल फैक्टर ऑफ। अब यहाँ 16 है फर्स्ट जो है, तो 16 के फैक्टर क्या होंगे, 16 को जब हम इन नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 है। तो 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं वो 1 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट जब हम 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 8 पे, ठीक है। नेक्स्ट 4 को जब हम 16 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 आएगा, 8 से भी डिविजिबल है और 16 अपने आप से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट है 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। तो ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि जब हम इन नंबर्स को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। और जो 11 है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, जो 1 है, 1 जो 1 है वो सब नंबर को जो नंबर है वो 1 से डिविजिबल होते हैं, एक तो वो। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक तो 1 से डिविजिबल होते हैं और एक अपने आप से। नेक्स्ट है 4, 4 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होएगा, 2 एक 2 होएगा, 4 2 से डिविजिबल है और एक 4 से। तो ये सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ, यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दे रखा है। अब हमें बताना है कि फैक्टर ट्री कौन सा है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हमारी बुक, सबसे पहले हम इसमें एक सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। अब हमें देखना है 18 को हम साइड पे, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, सबसे पहले हम 1 से करते हैं तो 1 से डिविजिबल है, तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं 2 से, 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाता है, 2 के पहाड़े पे 9 पे। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फैक्टर ट्री हम यहाँ लिखेंगे 2, और ये किससे डिविजिबल है, जब हम पहाड़ा करेंगे 2 में 18। अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, अब ये किसी पे नहीं जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, हम आएंगे 9 पे। अब हम 9 को डिवाइड करके देखेंगे कि 9 किस पे जाता है, 9 एक तो अपने 1 पे जाएगा तो उसको नहीं लेना, 2 पे नहीं जाता है, नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3। जब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके 3 से ही मल्टीप्लाई करें डिवाइड होगा, हमें पता है, क्योंकि 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 9, देर इज़ नो रिमाइंडर। तो और ये अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 दिया 9। अब 3 भी नेक्स्ट प्राइम नंबर है तो हम ये आगे किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये किसका फैक्टर ट्री होगा, इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ये फैक्टर ट्री है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मल्टीपल ऑफ 13। अब हमें पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो 13 के पहाड़े में जाएं, तो हमें इसके लिए 13 का पहाड़ा पता होना चाहिए। तो हमें पता है, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं भी 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, यहाँ तक लिख लेते हैं हम।
इसमें से देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये नंबर है। तो पहला ऑप्शन है उसमें 35, 55, 70, यहाँ पे इस तरीके का कोई भी नंबर नहीं है, तो इट मीन्स पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इसमें 26 भी है, यहाँ पे 26 मैच हो रहा है। नेक्स्ट है 39, 39 भी है और 65 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन हैं उनमें ये कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से जो 4 है वो उसको हम जब डिवाइड करेंगे 4 के पहाड़े पे कौन से नंबर नहीं आता है, या फिर जब हम उस नंबर को उस नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 8 है वो भी 4 से डिविजिबल है, 12 है वो भी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें पता है 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, और यहाँ पे 4 × 4 = 16 होता है, लेकिन जो 4 का जो टेबल है उसमें 18 नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसमें से जो 18 है वो 4 का फैक्टर नहीं है। तो आज हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।